मुंबई सपनों का शहर, बड़ी बड़ी इमारतें, उफान मारता समुद्र, रात दिन 24 घंटे जागने वाला शहर। हर किसी ने मुंबई के बारे में सुना है, उसे समझने की कोशिश भी की है, लेकिन आज हम उसी शहर के इतिहास को बताएंगे कि कैसे एक राज्य इतना बड़ा बन गया। चकाचौंध के पीछे कई बड़ी कहानी है, इसे जानने के लिए आपको 90 साल पीछे जाना होगा। साल 1930, जब एक ब्रिटिश नौसेना अधिकारी पोर्ट कोलंबो में समुद्र तट की सैर कर रहे थे, तब उन्हें एक पत्थर मिला था। उन्होंने जब उसे सावधानी से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई सामान्य पत्थर नहीं है। वह पत्थर दरअसल पाषाण कालीन युग के इंसानों का हथियार था। इस पत्थर के मिलने से नौसेना अधिकारी काफी आकर्षित हुए और उसके बाद उन्होंने कोलंबा के समुद्र तट पर खोजबीन शुरू कर दी। अपनी खोजबीन के दौरान उन्हें ऐसे ही 55 पत्थर मिले। इनमें से कुछ मध्य पाषाण काल में इंसान हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे और कुछ जीवाश्म थे। अपनी इस खोजबीन पर टोड ने 1932 में रिसर्च पेपर प्रकाशित कराया, जिसका शीर्षक था बंबई का प्राग ऐतिहासिक इंसान। इसके बाद 1939 में उन्होंने एक अन्य रिसर्च पेपर रॉयल आर्कियोलॉजी इंस्टीट्यूट से प्रकाशित कराया। 1920 में बैंक बे रिक्लेमेशन स्कीम के तहत समुद्री तटों को मलबे से भरकर दक्षिण मुंबई बनाया गया। इसके लिए कांदिवली की पहाड़ियों से मिट्टी और पत्थर लाए गए। जयराज सलगांवकर ने मुंबई सिटी गजट में इस बात की संभावना जताई है कि मुंबई के मछुआरों का पाषाण कालीन युग के लोगों से कोई संबंध हो सकता है। सलगांवकर के मुताबिक ये मछुआरे मुंबई में आर्य पूर्व दौर वाले गुजरात से आए थे। वो अपने साथ मुंबा देवी को लेकर आए, जो मुंबई की पहली देवी मानी गई। बीते 70-80 सालों से मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने, मुंबई को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और गुजराती नेताओं द्वारा मुंबई को गुजरात में मिलाने की मांग की जाती रही है। इस पृष्ठभूमि में जब हम मुंबई का इतिहास पढ़ते हैं तो लगता है कि मौजूदा समय में क्या समय का पहिया उलट चुका है। मुंबई की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक विकास के कई चरण हैं। शहर पर कई शासकों का राज भी रहा है। इसे मोटे तौर पर इन चरणों में बांटा जा सकता है: हिंदू काल, मुस्लिम काल, पुर्तगालीन काल, ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद का दौर। मौर्य वंश के शासक 250 ईस्वी पूर्व उत्तरी कोंकण पहुंचे थे। इसके बाद मुंबई दूसरे शासक वंशों के संपर्क में आता रहा। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में प्राचीन भारतीय संस्कृति विभाग की प्रमुख डॉक्टर अनीता कोठारे बताती हैं कि मौर्य के बाद उत्तरी कोंकण पर कई शासकों का राज रहा। उन्होंने कहा कि कोंकण पर शासन करने वाले मौर्यों को कोंकण का मौर्य भी कहा जाता है। मौर्य वंश के बाद सतवाहन वंश के अग्निमित्र नागपुर पहुंचे। कालिदास ने अपने महाकाव्य में इसका जिक्र भी किया है। क्षत्रप वंश के लोग यहाँ आए और उसके बाद कारोबार करने वाले आते गए। मुंबई के आसपास के इलाकों में कल्याण, ठाणे और नाला सोपारा जैसे बंदरगाह हैं, इसलिए शहर में व्यापारियों की आवाजाही लगातार बढ़ती गई। इसके बाद राष्ट्रकूट, यादव और शिलहार वंश का भी शहर पर राज रहा। इसके बाद अरब आए। इसका मतलब है कि मुंबई के आसपास का इलाका व्यापारिक गतिविधियों के चलते पहले से ही कॉस्मोपॉलिटन था। मुंबई कब सीधे तौर पर मुस्लिम शासकों के अधीन रहा, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच राजा बिंब ने माहिर द्वीप पर शासन किया और गुजरात के सुल्तान का मुंबई पर शासन रहा। गुजरात के सुल्तान ने 1534 में मुंबई को पुर्तगालियों को सौंप दिया। पुर्तगाली पहले दीव, वसई और मुंबई जैसे इलाकों में स्थापित हुए
और इसके बाद उन्होंने अन्य इलाकों में कारोबार बढ़ाना शुरू कर दिया। पुर्तगाली शासन उस दौर में धान की खेती और दूसरे कारोबार करने वालों से टैक्स वसूला करते थे। उन्होंने एक तरह से नौसेना का अच्छा बेस कैंप तैयार कर लिया था। तब मुंबई के प्रति ब्रिटिशों की चाहत दिखी। 1612 में सावली में हुए युद्ध के बाद ब्रिटिश मुंबई पहुंचे। उन्होंने मुंबई की अहमियत को समझ लिया था। वे नौसेना का बेस कैंप स्थापित करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंबई को पुर्तगालियों से हासिल करने की कोशिशें शुरू कर दी। आखिरकार 23 जून 1661 को इंग्लैंड के महाराजा चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली की राजकुमारी कैथरीन का विवाह हुआ। पुर्तगाली शासकों ने ब्रिटिश शासकों को शादी में तोहफे के तौर पर मुंबई भेंट कर दी। ब्रिटिश शासन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पर शासन शुरू किया तो उसने इलाके में कारोबार और द्वीपों को एक तरह से व्यवस्थित करना शुरू किया। साल 1885 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारोबार सूरत से मुंबई ले जाने का फैसला कर लिया था। 1715 में चार्ल्स बूम मुंबई आए। उन्होंने शहर के चारों तरफ किले बनाए। सुरक्षा के लिए उन्होंने तोपों की व्यवस्था भी की। उन्होंने पुर्तगालियों के साथ सभी संबंधों को तोड़ लिया और उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। उन्होंने पुर्तगाली पादरियों को शहर छोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद मुंबई का विकास तेजी से होने लगा। यहाँ से मुंबई के एक व्यापारिक केंद्र से शहर के तौर पर विकसित होने की शुरुआत हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान सभी लेन देन मुंबई के किले के भीतर होते थे। उन्होंने पूरे इलाके की किले बंदी कर रखी थी। हर कोने पर उन्होंने सुरक्षा का इंतजाम किया था, लेकिन इसके बाद भी वे सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। इसकी वजह थी बसई में चल रहा मराठा अभियान। मराठाओं ने पुर्तगालियों को हराकर वसई पर नियंत्रण कर लिया था। इस बात ने ब्रिटिशों की चिंता बढ़ा दी थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि मराठा मुंबई की सीमा तक पहुंच गए हैं, तो उन्होंने मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने पर विचार शुरू किया। वसई पर अधिकार के बाद मराठा बांद्रा और कुर्ला की तरफ बढ़ रहे थे। इसे देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्टन जेम्स इनकीवर्ट को चिमाजी अप्पा से मिलने वसई भेजा, जिसके बाद वो 15 शर्तों के साथ मुंबई वापस लौटे। मुगलों का इतिहास क्यों मिटाना चाहता था यह राज्य? इसका जिक्र गोविंद सखाराम सरदेसाई ने मराठा रियासत के तीसरे खंड में किया है। इसके बाद कैप्टन गोर्डन सतारा में जाकर छत्रपति शाहू महाराज से मिले। इनकी वर्ड भी पुणे में बाजीराव प्रथम से मिले, लेकिन ब्रिटिशों के मन में डर बना रहा। इसके बाद उन्होंने मुंबई किले के चारों तरफ खाई खुदवानी शुरू कर दी। उस वक्त के सभी कारोबारियों ने इस काम के लिए पैसे भी दिए। इसके लिए 30,000 रुपए जुटाए गए थे, लेकिन खाई खुदवाने का पूरा खर्च करीब 2.5 लाख रुपए आया था। यह एक तरह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का पहला उदाहरण माना जा सकता है। A.R. कुलकर्णी ने अपनी किताब कंपनी सरकार में बताया है कि 1755 में ब्रिटिशों ने सुवर्ण दुर्ग पर कब्जा जमाया। इसके बाद 1761 में मराठाओं को पानीपत के पहले युद्ध में हार का सामना करना पड़ा था। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचा था। 19वीं शताब्दी की मुंबई और ब्रिटिशों के संबंध को लेकर 19वीं शताब्दी सबसे अहम साबित हुई। 1803 में बसई संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के बाद ही मराठा शासन के अंत की शुरुआत हुई और अंत में 1818 में मराठा शासन दौर खत्म हो गया। इसके बाद मुंबई आने वाले प्रत्येक गवर्नर ने मुंबई को न्यायपालिका, राजस्व व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बनाया। वे समय के साथ उसमें बदलाव करते रहे। टाउन हॉल, म्यूजियम जैसे इमारतों का निर्माण हुआ। 1853 से रेलवे की शुरुआत हुई। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के पहले युद्ध की गूंज मुंबई में भी सुनी गई थी, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने तेजी से विद्रोही गतिविधियों पर काबू पा लिया। ब्रिटिश महारानी की घोषणाओं को टाउन हॉल की सीढ़ियों पर पढ़ा गया, जहां अब एशियाटिक लाइब्रेरी है। 1857 में ही मुंबई यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। मुंबई को आकार देने में सबसे अहम योगदान
हेनरी बार्टल फरेरे का है, जो 1862 में वहां तैयार हुए। उन्होंने मुंबई की कई इमारतों के निर्माण की शुरुआत की। उनके दौर में ही मुंबई नगर निगम की शुरुआत हुई। इस दौरान शहर में उद्योग धंधों का विकास हुआ और आबादी भी बढ़ने लगी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नई इमारतें और अस्पतालों का निर्माण हुआ। इस दौर में ही व्यापारिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर मुंबई शिखर पर पहुंच गई थी। स्वतंत्रता से पहले का समय, मुंबई शहर पूरे प्रांत का मुख्यालय था। मुंबई की आबादी 20वीं शताब्दी की शुरुआत से बढ़ने लगी थी और इसके साथ ही मुंबई में स्वतंत्रता आंदोलन भी परवान चढ़ा। कांग्रेस के गठन के बाद मुंबई एक तरह से स्वतंत्रता आंदोलन का भी गढ़ बना। लोकमान्य तिलक और दादा भाई नौरोजी जैसे शख्सियतें इसके पीछे प्रेरणा का काम कर रही थी। इससे पहले दूरदर्शी सोच वाले फिरोज शाह मेहता ने मुंबई में शिक्षा, स्वास्थ्य और जल निकासी की व्यवस्था को बेहतर बनाने में योगदान दिया था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के साथ मुंबई ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाए थे। भारत को 1947 में स्वतंत्रता मिली, जबकि ब्रिटिश 325 साल पहले भारत आए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के निर्देशों के मुताबिक 1956 में मुंबई राज्य के निर्माण का फैसला लिया गया। इसमें कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों को भी शामिल करने का प्रस्ताव था। इसके अलावा मध्य प्रदेश के नागपुर डिवीजन और हैदराबाद के मराठावाड़ा क्षेत्र को भी शामिल किया गया। मराठी बोलने वाले जहां संयुक्त महाराष्ट्र के गठन की मांग कर रहे थे, वहीं गुजराती बोलने वाले महागुजरात की मांग कर रहे थे। दोनों तरफ के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन भी शुरू किया। आखिर में 1 मई को 1960 को अलग राज्य के तौर पर महाराष्ट्र का गठन हुआ। गुजराती बोलने वालों को गुजरात और मराठी बोलने वालों को महाराष्ट्र मिला। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनी। स्वतंत्रता के बाद भी कारोबारी लेन देन के लिए मुंबई आते रहे। अलग अलग पार्टियों की सरकार यहाँ रही। शताब्दियों से विभिन्न जाति एवं धर्म के लोग यहाँ रहते आए हैं। हिंदू, मुस्लिम, पारसी, सिख, यहूदी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों का मुंबई के विकास में अहम योगदान रहा है। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए अर्थ इंडिया न्यूज से। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ये है अर्थ इंडिया न्यूज। देश की बात अर्थ इंडिया न्यूज के साथ। देखते रहिए अर्थ इंडिया न्यूज।